सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी गाइस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि गाइस आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि MIUI 12 ऑफिशियली Xiaomi के द्वारा चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर और ग्लोबली रोल्ड आउट कर दिया गया है। ये कुछ डिवाइस में इसका बीटा टेस्टिंग चल रहा है, कुछ डिवाइस में ख़त्म हो चुका है और कुछ डिवाइस के लिए जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल था कि कौन से फ़ोन पर अभी तक Xiaomi ने ऑफिशियली MIUI 12 को रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पोस्ट ओपन है जिस पर आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। फिर चाहे आपका फ़ोन Redmi का है, MI का है या फिर Poco का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट इज़ अपडेटेड बाई 24 जून, यानी कि 24 जून को इसको अपडेट किया गया है। आज के दिन इसको अपडेट किया गया है, हर दिन ये अपडेट होता है। तो बस आपको इस पोस्ट को ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपने डेस्कटॉप मोड पे कर देना है, उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर डिवाइस का नाम, उसके बाद यहाँ पर उसका रीजन भी देखने को मिल जाता है। तो जिन भी डिवाइस में अभी तक रिलीज़ हो चुका है वहाँ पर रिलीज़ या फिर NA लिखा आएगा। तो रिलीज़ का मतलब कि रिलीज़ हो चुका है, पब्लिकली अभी अवेलेबल है, कमिंग सून यानी कि जल्दी ही आपको मिल सकता है, और NA यानी कि नॉट अवेलेबल, ये रिलीज़ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इसका जो ग्राफ है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन डिवाइस की, तो यहाँ पर आपको Redmi K20 और Redmi K20 Pro जैसे डिवाइस भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर चाइना के अंदर उसका जो MIUI 12 का रोम है वो भी रिलीज़ हो चुका है। इंडिया के लिए यहाँ पर Redmi K20 में पब्लिकली अवेलेबल हो चुका है, और Redmi K20 Pro में अभी पायलट यानी कि बीटा टेस्ट में ये चल रहा है। तो जैसे जैसे ये रिलीज़ होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको इसका जो जानकारी हो मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं रीजन के, तो यहाँ पर चाइना रीजन, ग्लोबल, इंडिया, यूरोपियन, इंडोनेशियन और रशियन रीजन के बारे में आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर उसका कोड वगैरह भी मेंशन किया गया है, तो आप इसका कोड भी जो है चेक कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पर रिलीज लिखा आता है आपके डिवाइस के लिए, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिकली अभी ये अवेलेबल हो चुका है आपके डिवाइस के लिए। तो आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए ना तो कस्टम रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो उसको रूट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप यहाँ से अपडेटर पे आके जो रोम फाइल है, जो जिप फाइल है, उसको बस यहाँ से आपको चूज़ अपडेट पैकेज कर देना है, तो आपका फ़ोन पर ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप इसका जो डिवाइस लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, कौन से फ़ोन में अभी तक ये अपडेट जो है वो अवेलेबल हो चुका है, तो यहाँ पर आके आप उसको जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि गाइस आपको इस वीडियो से आपके कुछ आंसर है वो मिल चुके होंगे। अगर गाइस आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रहा है MIUI 12 को अपडेट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो में।